What's up everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing extremely well. Well guys, I know it's been so long time कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया. ये एक अलग स्टोरी है, इसके बारे में बाद में बात करते कि वीडियो क्यों नहीं डाला, इतना लेट क्यों हुआ. ठीक है, इसको टॉपिक को थोड़ा साइड में रखते और बात करते आज के वीडियो के बारे में. वेल गाइस, आज का वीडियो के बारे में जो टॉपिक है, इसको तो आपने थंबनेल में देख के समझ ही गए होंगे कि किस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ. हाँ गाइस, आज से कुछ डेढ़ साल पहले कोलकाता में मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था पुलिस वालों के साथ. तो उस टाइम पे मेरे को ये वीडियो डालने का मतलब मन नहीं किया, कि मैं सोचा नहीं यार ये सब कुछ नहीं दिखाते, मेरे को ठीक नहीं लगा, तो मैंने डाला नहीं. फिर मुंबई में मैं जब ही आया इधर ऑलमोस्ट मेरे को डेढ़ साल हो गया, तो यहाँ पे भी मेरे साथ कुछ सेम नहीं बोलूँगा, काइंड ऑफ वैसे ही इंसिडेंट हुआ. तो मतलब मुंबई पुलिस के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं समझा नहीं सकता कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस है. ठीक है, वो वीडियो, वो भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, तो वो वीडियो का लिंक मैं या तो आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. प्लीज़ जाकर आप लोग चेकआउट करना, फिर आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा, आप लोग समझ जाओगे कि मैं किस फ़र्क के बारे में, किस डिफरेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, कि कोलकाता पुलिस और मुंबई पुलिस किस लेवल पे, दोनों कैसे कैसे लेवल पे हैं. तो आज का जो इंसिडेंट है ना, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. वेल गाइस, आज से कुछ डेढ़ साल पहले मैं जब कोलकाता में था, तो मैं और मेरा जो दोस्त है शुभम, हम दोनों कहीं पे जा रहे थे और बड़ा बाजार से होते हुए हम लोग जा रहे थे. तो मेरे को वो बड़ा बाजार साइड का रास्ता मेरे को नहीं मालूम और उसको भी मालूम नहीं, क्योंकि हम लोग को वो साइड पे कोई काम नहीं रहता था. तो हम लोग गूगल मैप देख के जा रहे थे, तो ऐसा हुआ कि गूगल मैप ने एक रास्ता दिखाया और दोनों रास्ता सेम ही है. मतलब सी, ये दो रास्ता है, ये एक रास्ता, ये एक रास्ता, बीच से बस खंभा है. ठीक है, और ये रास्ते से नो यू टर्न है. तो वो गूगल मैप देख के जा रहे थे, उतना हम लोग को समझ में नहीं आया, तो बात करते करते ऐसे सीधा जाने के बदले हम लोग वैसे घूम के गए. पुलिस वाले ने रुकवाया, फिर जो हुआ आप लोग वीडियो में देख लो. भाई सीधा जाना है ना, या फिर लेफ्ट? राइट कट, राइट कहाँ से? वो वाला उधर, वो तो बड़ा बाजार वाला ही है. कहाँ जाने का? ये तो हावड़ा उठ जाएगा. अच्छा ये, अच्छा हाँ, क्या हुआ भाई, किसको लग गए? लग गए रे. सॉरी सर, सॉरी सर, भूल गए. लग गए भाई, आज तो गया बात करते करते रास्ता देखने के चक्कर में, लग गया भाई. चल सर, सर आप सर এখানে আমি স্যার থাকি না স্যার, আমি জানি না স্যার, বুঝতে পারি নি স্যার, স্যার সরি স্যার, আমি স্যার সিগন্যাল দেখছিলাম এইদিকে, তো স্যার বুঝতে পারি নি এখানে এরকম অফলাইন সিগন্যাল রয়েছে স্যার. কি হয়ে গেছে স্যার, ইসিলে আপ বলে তো আমি উতর গয়ে স্যার. স্যার সরি স্যার, রাস্তা পতা নেই স্যার. আর হবে না স্যার, স্যার আমি অ্যাকচুয়ালি এখানে থাকি না স্যার, জানি না এখানে স্যার, গলতি হয়ে গেছে, ইসিলে আপ রোকে তো আমি রুক যাই স্যার, আমলোকে রাস্তা পতা নেই, কনফিউশন হয়ে গেল. ওই ওই এখানে কে বলবো, ওই 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 কি আছে ওখানে কে বলবো? ওকে लग गया. क्या क्या हुआ? अच्छे से ही बोलेगा. ओ ये टर्निंग का
ये टर्निंग ना, मेरा गलती। कोई बात नहीं। স্যার আমি বুঝতে পারিনি এইটা নেওয়ার জায়গায় ওই টার্নিংটা নিয়ে ফেলেছি। স্যার আমি থাকি না এখানে, জানি না স্যার। আপনার সাথে কথা বলতে বললো স্যার। স্যার প্লিজ স্যার ছেড়ে দিন না স্যার। আমি এখানে থাকি না স্যার, আমি জানি না স্যার। স্যার প্লিজ স্যার ক্ষমা করে দিন না স্যার, ভুল হয়ে গিয়েছে। স্যার গুগলে দেখেছি তো, গুগল ম্যাপ স্যার স্যার বুঝতে পারিনি ওখানে ওই রাস্তাই দেখো রাস্তা আছে একটা স্যার ভুল হয়ে গেছে স্যার। স্যার প্লিজ স্যার আমি ম্যাপ দেখে আসছিলাম স্যার, আমরা থাকি না এখানে স্যার, বুঝতে স্যার কোন স্যারের কাছে যাব। কি স্যার স্যার, স্যার প্লিজ স্যার ক্ষমা করে দিন না স্যার, আমি এখানে থাকি না স্যার, আমি এখানে থাকি না স্যার, প্লিজ স্যার ক্ষমা করে দিন না স্যার। স্যার আমি স্যার দেখুন ম্যাপেতে আমি দেখে স্যার আসছিলাম স্যার, বুঝতে পারিনি স্যার। স্যার 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 প্লিজ স্যার, হ্যাঁ স্যার 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 প্লিজ স্যার স্যার ক্ষমা করে দিন না স্যার, স্যার ক্ষমা করে দিন না স্যার প্লিজ। স্যার কত টাকা ফাইন আছে স্যার? ये वीडियो तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था शुरू में कि मुंबई पुलिस के जो एक्सपीरियंस है मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में मैं जो बताना चाह रहा था भाई, में मैं ये सीन देखा ही नहीं। सी देखो मैं कंपेयर ये नहीं करने वाला था, मेरे को ये कंपेयर करना अच्छा नहीं लगता। आई नो कोलकाता मेरा बॉटम प्लेस है, मैं हर चीज़ मानता हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं ना जहाँ का जो चीज़ अच्छा है जहाँ का जो चीज़ बुरा है उसको तो मतलब बोलना ही पड़ेगा ना। और ये कोलकाता का हर लोग जानते हैं कि कितना गंदा चीज़ होता है कोलकाता में। सी गाइस मैं हर पुलिस वाले को करप्ट नहीं बोल रहा, कुछ पुलिस वाला है जिनके वजह से पूरा जो पुलिस है जो पुलिस फोर्स है सबका नाम बदनाम होता है। मैं बहुत लोग ऐसे भी है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत अच्छा चीज़ करते हैं। जैसे मैं कुछ दिन पहले न्यूज़ में देख रहा था कि लाइक 10वीं के एग्ज़ाम के टाइम में एक ट्रैफिक पुलिस ने किसी बच्ची को मतलब खुद अपने जीप में बिठा के एग्ज़ाम हॉल में लेके गया। मतलब ये चीज़ कहीं और नहीं देखने को मिलता, तो ऐसे अच्छे लोग भी है। लेकिन और इससे पहले भी मेरा कोलकाता पुलिस के साथ मतलब एक ऐसा इंसिडेंट हो भी गया था, अगर वो वीडियो भी देखना है तो उसका लिंक मैं या तो डिस्क्रिप्शन में या तो आई बटन में दे दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो कि वो भी एक अलग इंसिडेंट हुआ था कोलकाता में। अगर ये मतलब पुलिस वालों का जो करप्शन ये अगर हट गया ना तो कोलकाता पुलिस लाइक वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्स होगा। ठीक है, बस कुछ चीज़ों की वजह से बहुत सारी चीज़ मिस्टअप हो जाता है, बस यही कहना था मेरा। और गाइस अगर आपको ये वीडियो मतलब देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा या फिर आपको लगा कि ये सही था गलत था क्या था ना था, प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताओ। माना कि उस दिन मेरा गलती था, लेकिन मैंने कितना रिक्वेस्ट किया हो आप लोग वीडियो में देख ही चुके हो, तो मतलब आई डोंट थिंक इतना रिक्वेस्ट करने के बाद छोड़ सकते थे। चलिए ठीक है, वो उन लोग की मर्ज़ी नहीं छोड़ा वो अलग चीज़ है, लेकिन प्लीज़ बताओ कि आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है कि नहीं। अगर होता है तो नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
जिससे पता चलेगा कि लाइक आप में से कितने लोग हैं जिनके साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंट होता रहता है।